हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। आज हम बात करने वाले हैं गायनो और चेस्ट फैट के बारे में। गायनो क्या होता है, चेस्ट फैट क्या होता है, इसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्या हम डाइट लें, क्या एक्सरसाइज करें, तो इस वीडियो में सारी बातें मैं आज आपको क्लियर कर दूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो गायनो है और जो चेस्ट फैट है, ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो चुकी है। दूसरा, गायनो होता क्या है। देखो, जब हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा बनता है और टेस्टोस्टेरोन कम बनता है, तब हमारे गायनो हो सकता है। दूसरा केस क्या है, जब हम स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, खासकर कटिंग सॉल्ट, इसमें भी हमारे गायनो हो सकता है। गायनो को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। देखो, गायनो को पहचानने का क्या तरीका है, अगर आप अपनी निप्पल को टच करोगे तो आपको जो है निप्पल के सराउंडिंग एरिया में एक उभरा उभरा सा फैट फील होगा, आपके वहाँ पे पेन भी हो सकता है। इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, देखो, ना तो इसकी कोई एक्सरसाइज है, ना इसकी कोई डाइट है। अगर कोई बोलता है कि डिक्लाइन बेंच लगाने से जो है गायनो ठीक हो जाता है, या डेफिसिट कैलोरी डेफिसिट में जाने से जो है गायनो ठीक हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। गायनो नहीं ठीक होता, चेस्ट फैट ठीक हो जाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं गायनो की। गायनो ना तो डाइट से, ना ही एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो है निप्पल के सराउंडिंग एरिया में जब फैट टिश्यू इंक्रीज होने लगते हैं, तो इसमें ना तो कोई एक्सरसाइज काम आती है, ना कोई डाइट। गायनो बस सर्जरी से ठीक हो सकता है, किसी एक्सरसाइज या डाइट से नहीं। देखो, गायनो का एक अलग से टॉपिक हम बनाएंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे, बट हम इस वीडियो में जो है चेस्ट फैट को कवर करते हैं। चेस्ट फैट क्या होता है, चेस्ट फैट को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। देखो, चेस्ट फैट होता क्या है, अगर आपकी डाइट के अंदर जंक फूड ज़्यादा है, हेल्दी फूड कम है, अगर आपका लाइफस्टाइल है जो वो एक्टिव कम है और अनएक्टिव ज़्यादा है, इस केस में आपके चेस्ट फैट होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी बॉडी स्लिम है और बस आपके चेस्ट के ऊपर फैट है, नहीं, आपके लेग्स पे भी हो सकता है, आपके हिप्स पे भी हो सकता है, आपके कमर पे भी हो सकता है। चेस्ट फैट को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, देखो, चेस्ट फैट को ठीक करने के लिए हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, यानी फैट लॉस करना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट में जब हम जाएंगे, तब हमारा फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा और हमारी ओवरऑल बॉडी का जो है फैट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा मसल टोन अप करने के लिए, क्योंकि मसल टोन अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम वर्कआउट करेंगे तो उसमें हमें क्या फ़ायदा है, एक तो मसल टोन अप होगी हमारी, और दूसरा कैलोरी बर्न होगी। एक तो हम पहले से कैलोरी डेफिसिट में हैं और हम वर्कआउट करके अगर कैलोरी और बर्न करेंगे, तो हमारा फैट जो है जल्दी से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि बस मैं वर्कआउट करके ही चेस्ट फैट को ठीक कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको डाइटिंग करनी पड़ेगी, आपको हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें वेट गेन करना हो, या वेट कम, या वेट लॉस करना हो, या हमें बॉडी बिल्डिंग करनी हो, या मैन फिजिक करनी हो, यानी बॉडी में कुछ भी चेंजेस करने हो, तो सारा खेल डाइट का होता है। आप बस एक्सरसाइज से ही अपने चेस्ट फैट को ठीक नहीं कर सकते हो। अगर आपकी डाइट के अंदर अभी भी जंक फूड है, हेल्दी फूड नहीं है, तो आप चेस्ट फैट को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते हो, आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाना है, और गुड फैट आपको सबसे ज़्यादा लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा आप क्या क्या आपको डाइट लेनी है, क्या क्या फूड आप ले सकते हो। आपको अगर कैलोरी डेफिसिट नहीं निकालना आता, तो आप गूगल पर जा सकते हो, अपना बॉडी वेट वगैरह, हाइट वगैरह लिख सकते हो, और आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि मुझे कितनी कैलोरी लेनी है डेफिसिट के लिए। तो इस तरीके से जो आप अपना चेस्ट फैट बहुत इजीली ठीक कर सकते हो। कुछ ही महीने में आप देखोगे कि मेरा जो है चेस्ट फैट बिल्कुल ठीक हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।